चुनाव आचार संहिता लगते ही प्रशासन ने हटाया फ्लैक्स बैनर। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की तारीख का हुआ घोषणा। गंडई पंडरिया राजनांदगांव जिले खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की रिक्त सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव और मतगणना की घोषणा कल 12 मार्च की देर शाम कर दिया। चुनाव की तारीख के ऐलान करते ही दूसरे दिन स्थानीय प्रशासन ने गंडई निकाय क्षेत्र में लगे शासकीय और राजनीतिक बैनर पोस्टर को निकलवा दिया, साथ ही दीवालों के वॉल पेंट को भी पुतवा दिया। ज्ञात हो कि खैरागढ़ विरासत के राजा और विधायक देवव्रत सिंह के आकस्मिक निधन के बाद खैरागढ़ की सीट खाली हो गया था, जिसके बाद उपचुनाव रिक्त सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने की लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन 5 राज्यों में हो रहे आम चुनाव के चलते चुनाव आयोग वहां चुनाव खत्म होते ही उपचुनाव की घोषणा कर दिया, जिसमें 17 मार्च नामांकन प्रारंभ, 24 मार्च नामांकन का अंतिम तारीख, 25 मार्च स्क्रूटनी, 28 मार्च नाम वापसी अंतिम तिथि, 12 अप्रैल मतदान, 16 अप्रैल मतगणना होना है। कांग्रेस में दावेदारों की फौज तो भाजपा में सीमित नाम, वही जनता कांग्रेस की भी तैयारी। आपको बता दें कि ताजा माहौल के हिसाब से सत्ता में काबिज कांग्रेस पार्टी के पास दावेदारों की लंबी फौज नजर आ रहा है और सभी उम्मीदवार अपने फील्डिंग के हिसाब से सबको उम्मीद भी नजर आ रहा है, मगर टिकट तो एक ही को मिलना है। वहीं अगर पार्टी राज परिवार और खैरागढ़ के इतिहास को देखते हैं तो स्वर्गीय विधायक देवव्रत सिंह की पहली पत्नी की दावेदारी इन दिनों मजबूत मानी जा रही है। वहीं जातिगत समीकरण भी टिकट वितरण हो सकता है। वहीं भाजपा के पास ज्यादा दावेदार नहीं होने के कारण टिकट वितरण में उतना माथापच्ची नहीं हो सकता, लेकिन इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में युवा चेहरे के रूप में विक्रांत सिंह और खम्भन ताम्रकार के नाम सबसे आगे है। वहीं जातिगत समीकरण में पूर्व विधायक कोमल जंघेल की दावेदारी मजबूत माना जा रहा है। वहीं जोगी कांग्रेस की वर्तमान सीट होने के कारण वो भी आसानी से सीट को छोड़ने के मूड में नहीं है और समय समय में जनता कांग्रेस से भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने की इच्छुक नजर आ रहे हैं। खैर प्रत्याशी कोई भी हो, मगर चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में राजा देवव्रत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़कर प्रत्याशी को पछाड़ा था, वही जातिगत वोट और जातिगत राजनीति पर विराम लगाया था। देखना है कि क्या उस स्थिति में प्रत्याशी फिर उस रिकॉर्ड को कायम रख पाते हैं या नहीं। गंडई छत्तीसगढ़ से रवि रजक, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।